गुड मॉर्निंग बच्चों, वेव मोशन की सीरीज में, न्यूमेरिकल्स की सीरीज में लास्ट तीन वीडियो हम लोग लगातार देख चुके हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और उनके की पॉइंट्स के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उनका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, उस प्रकार के क्वेश्चंस को इसमें रखने का प्रयास किया गया है और सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करवाया गया है ताकि एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से रिवाइज करके अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। उसी सीरीज में आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो भी वेव मोशन पर ही आधारित है, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उसी सीरीज में आगे की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस को बारी बारी से नोट करते रहिए, सॉल्यूशंस को हम आपको बता रहे हैं उन सॉल्यूशंस को भी आप सॉल्व करिए और फिर अपने आप दोबारा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, एक रेडियो स्टेशन 760 किलोहर्ट्ज की तरंगे उत्पन्न करता है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, ए रेडियो स्टेशन प्रोड्यूस वेव्स ऑफ 760 किलोहर्ट्ज, देन व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द स्टेशन, या व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव। वेव लेंथ का मीन होता है लैम्डा। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, 760 किलोहर्ट्ज, दैट मींस ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी हम लोग को गिवन है न्यू इज इक्वल टू 760 किलोहर्ट्ज, और किलोहर्ट्ज को हम लोगों ने लिखा 760 इंटू 10 टू दी पावर 3 हर्ट्ज, और अब हम लोगों को काउंट करना है वेवलेंथ, जिसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा। फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, देयरफॉर वेवलेंथ मींस तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 760 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 395 मीटर, दिस इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें, तो बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़े, टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे मींस स्टेशनरी वेव्स। क्वेश्चन ये कह रहा है, तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग y इज इक्वल टू 4 sin 2 पाई x / 3 cos 40 पाई t है, वेयर x / y आर इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकंड, तो दो क्रमागत निष्पन्नों के बीच की दूरी, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, नोड्स माने निष्पन्द, तो दो क्रमागत निष्पन्नों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। क्वेश्चन को ध्यान दें, सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई x / 3 और इनटू cos 40 पाई t, इसको हम लोगों ने कंपेयर करा दिया y इज इक्वल टू 2a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा इनटू cos 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल t से। ठीक है, जिसके साथ जो होता है उसके साथ कंपेयर होता है, जैसे sin के साथ x है तो sin के साथ x लोगे, cos के साथ t है तो cos के साथ t लोगे, t का मतलब 2 पाई t / t और x का मतलब 2 पाई x / लैम्डा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है ना, अगर यहां पर x है तो यहां पर 2 पाई x / लैम्डा sin के साथ, और अगर यहां पर t है तो 2 पाई / स्मॉल t / कैपिटल t। लग कर ले, अप्रगामी तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो हम लोगों ने उसको कंपेयर किया, तो बच्चों ध्यान दें ये टर्म हमारा इसके इक्वल है, दैट मींस 2 पाई x / लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई x / 3, 2 पाई x से 2 पाई x कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 3, उसने हम लोगों से बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो क्रमागत निष्पन्नों के बीच की दूरी बताइए,
क्रमागत निष्पंद और क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी होती है बच्चों लैम्डा बाई टू, दैट मीन्स 3/2, सो आंसर विल बी 1.5 मीटर. लैम्डा बाई टू का मीन्स 1.5 मीटर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बट ध्यान देने वाली बात है, यहां पर उसने डिस्प्लेसमेंट को बोला था सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर होगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 cm, means option number B is correct. Note कर ले. तो बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान दें. क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की देहली तीव्रता. देहली तीव्रता का मीन्स होता है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. देहली तीव्रता का मीन्स थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी 10^-10. इसको आई नॉट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? आई नॉट यानी आई जीरो. तो हम लोगों को गिवन है आई जीरो 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर. और उसके बाद एक अन्य ध्वनि जिसकी तीव्रता whose intensity 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर आई. दैट इज कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ वेव. और क्वेश्चन क्या है इसका? तीव्रता स्तर. तीव्रता स्तर का मतलब सब लोग जानते हो, इंटेंसिटी लेवल. तीव्रता स्तर का मतलब होता है लाउडनेस. तो जो इंटेंसिटी लेवल है इसको हम लोग लाउडनेस, प्रबलता से डिफाइन करते हैं. जो लाउडनेस होता है एल इज इक्वल टू वो लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट के इक्वल होता है. इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लर्न कर लें. लाउडनेस होती है वो लॉग आई बाई आई नॉट बेस 10 के इक्वल होती है. यहां पर आई नॉट को बोला जाता है देहली तीव्रता, मींस थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. हो गया क्वेश्चन. एल इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट 10^-8 अपॉन 10^-12 दैट इज इक्वल टू लॉग बेस 10 10^-12 को प्लस 12 10^+12 10^-8 That is equal to log base 10 और ये वैल्यू आ गई 10^4. ठीक है ना? 12-8 means 10^4. सभी लोग जानते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे is equal to 4 log base 10 और इसको हम लोग लिखेंगे 4 bell is the unit of loudness. Bell या decibel. एक बेल बराबर 10 decibel, 1 bell is equal to 10 decibel, that means 4 × 10 decibel, so answer will be 40 decibel. dB का मीन्स होता है decibel, इसका मतलब ये हुआ करेक्ट आंसर होगा 40 decibel. हमको निकालना था L, तीव्रता स्तर L is equal to 40 decibel, that means option number A is correct. नोट कर ले. तो प्यारे बच्चों वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण. इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण. उस पर इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है, व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स 9:1, तो उनकी अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात होगा. आयाम एम्पलीट्यूड. इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर 9:1, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू
मिनिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ द गिवन वेव्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका उतना ही सरल है। सॉल्यूशन ध्यान दें बच्चों, हम लोग को गिवन है तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगे टू वेव्स, क्लियर आई वन और आई टू, तो आपको वैल्यू गिवन है आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू 9:1। इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू 9:1, डब्बे में बंद कर लिया, फार्मूला कहीं ना जाए, फार्मूला हम लोग जानते हैं आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, सो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर। ए वन ए टू आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स, पहली तरंग का आयाम ए वन, दूसरे का एम्पलीट्यूड यानी आयाम ए टू। तो यहां से हम लोगों ने जब वैल्यू को निकाला तो ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1, दैट मीन्स ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू 3/1। ये अपने आप में क्वेश्चन है, अगर ये मैं कहा होता कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताइए, अगर ये ना कहा होता कि अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए, केवल ये कहा होता आयामों का अनुपात बताइए, तो आंसर होता a1 upon a2 is equal to 3/1। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए। तो अधिकतम आयाम होता है बच्चों r max is equal to a1 plus a2, और न्यूनतम आयाम होता है बच्चों r minimum is equal to a1 difference a2। एम्पलीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नोट कर ले इस बात को, कॉपी में नोट बनाकर, आयाम ऋणात्मक में नहीं आएगा, a1 difference a2। अब हमको निकालना है इनका रेशियो, सो r max upon r minimum is equal to a1 plus a2 difference upon a1 difference a2, और a1 की जगह 3 और a2 की जगह 1 और फिर 3 difference 1, तो आंसर आया 4/2, दैट मींस 2/1, 4/2 या 2/1। तो इसने जो ऑब्जेक्टिव हमको दिए हैं, जो बहुविकल्पी हमको दिए हैं, उसमें इसने डायरेक्ट लिखा है 4/2, इसको कैंसल नहीं किया है, तो हमको एक आइडिया मिल गया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4:2, जिसको हम लोगों ने निकाला है 2:1। तो बच्चों फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम था इंटरफियरेंस और निकालना क्या था आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपिटेटिव एग्जाम्स में परसेंटाइल के क्वेश्चन कई बार इसलिए पूछे जाते हैं ताकि ये पता चले कि बच्चे परसेंटेज को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो वेव में तनी डोरी में कंपन में इन द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग तनी डोरी के कंपन में परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक तार के तनाव को 19% कम कर दिया गया, द टेंशन फोर्स ऑफ एनी वायर रिड्यूस्ड बाय 19%, तो आवृत्ति में प्रतिशत कमी होगी, देन परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तनाव बल में प्रतिशत कमी दी है, परसेंटेज डिक्रीज दिया है, फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। सॉल्यूशन, एक तार के तनाव को 19% कम कर दिया जाए, T1 is equal to T, 19% कम कर दे 19% into T, परसेंटेज तो जानते हो ना, प्रारंभिक तनाव T 19% कम कर दे, नया तनाव बल T-19% T, और इसको हम लोगों ने लिखा T-19/100 T, इसको हम लोगों ने लिखा 100-19/100 T, और ये आ गया 81/100 कैपिटल टी, दैट इज टी टू, सॉरी, तो टी टू इक्वल टू हो गया 81/100 T, ये अंतिम तनाव बल,
याद करिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, n इज इक्वल टू 1/2l रूट डी बाई एल। याद आ गया सभी को टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम डोरी में उत्पन्न कंपन, वाइब्रेशंस इन द स्ट्रिंग, n इज इक्वल टू 1/2l रूट डी बाई एल। क्वेश्चन यहां से पकड़ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में चेंज पूछा है और टेंशन फोर्स में चेंज दिया है, मींस एल प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी, सो एल वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू रूट डी वन अपॉन डी टू, सो एल वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू रूट डी वन अपॉन डी टू, तो डी वन की जगह अगर हम लोग रखें टी और डी टू की जगह एट्टी वन टी बाई हंड्रेड, तो यहां पर ये आ गया अंडर रूट हंड्रेड अपॉन एट्टी वन, दैट मीन्स टेन बाई नाइन, दिस इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू। अब आपसे कहा है कि फ्रीक्वेंसी में कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा, कमी निकालना है, और सभी लोग जानते हो अगर आपको कमी निकालना हो, कमी किसमें होगी? जिसमें पहले अधिकता होगी, इसका मतलब पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा और बाद में फ्रीक्वेंसी कम, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100% मींस एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन इंटू 100%, सो एन वन अपॉन एन टू का मीन्स 1 माइनस एन टू अपॉन एन वन इंटू 100%, तो 1 माइनस एन टू बाई एन वन का मीन्स 9/10 इंटू 100%, आंसर समझ में आने लगा होगा, 10 माइनस 9 अपॉन 10 इंटू 100%, इससे इसको कैंसिल किया 10%, और 10 माइनस 9 1 इंटू 10%, तो सवाल का सही आंसर है 10%, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नोट कर लें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो कनेक्ट करता है वो ट्यूनिंग फॉर्क यानी स्वरित्र द्विभुज और स्वरमापी को एक साथ कंबाइन करता है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप लगाएंगे तो काफी एबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्किल डेवलप होगी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है 200 हर्ट्ज का एक स्वरित्र द्विभुज, जानते हो ना ट्यूनिंग फॉर्क, एक ट्यूनिंग फॉर्क स्वरित्र द्विभुज जिसकी भुजाओं में वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड डेवलप होता है, ट्यूनिंग फॉर्क स्वरित्र द्विभुज स्वर मापी के तार के साथ सोनोमीटर वायर स्वर में, ठीक है ना, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे तो स्वर में यूनिसन स्वर में जब तार के तनाव को 1% बढ़ा देते हैं, अगर टेंशन ऑफ द वायर इंक्रीज बाई 1%, तो पर सेकेंड नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे, विस्पंदनों की कुल संख्या हम लोगों को बतानी है। सवाल सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसको नहीं आया उसको हम समझाएंगे बड़े ही प्यार से। ध्यान दीजिए 200 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क स्वर मापी के साथ स्वर मेल में है, तार के तनाव को 1% बढ़ा दें, तनाव टी वन इज इक्वल टू टी 1% बढ़ा दो, टी टू बराबर टी प्लस 1% इंटू टी, दैट मीन्स टी प्लस 1/100 टी, दैट मीन्स 101 टी बाई 100, दैट इज इक्वल टू टी। सभी लोगों को टी2 निकालना समझ में आया? कुछ भी हम शॉर्टकट नहीं लेके चल रहे हैं, ताकि आपको चीजें कायदे से क्लियर हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को ना लगाने की बजाय क्वेश्चंस के फंडामेंटल को समझने की जरूरत है। बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एल प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी होती है, देयरफॉर एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू रूट टी वन अपॉन टी टू। कहानी कुछ वैसी है जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में है, टी 100 टी, टी से टी कैंसिल, अंडर रूट 100/101। एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू रूट 100/101, रूट 100/101, नोट कर लें। तो बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि एन वन अपॉन एन टू का रेशियो आया
रूट 100 अपॉन 101। ठीक, यहां को हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिखा अंडर रूट 101/100 और इसको हम लोगों ने लिखा दैट मींस बायनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय में हम लोग चले 1+x की पावर n 101/100 हो गया लिखा 1+1/100 अंडर रूट को हटाया पावर क्या आई 1/2 1+x की पावर n 1+nx दिस 1+1/2 × 1/100 मींस 1+1/200 ये वैल्यू हमारे पास में आ गई n2/n1 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा n2 = n1 × 1+1/200 n1 का अंदर मल्टीप्लाई n1/200 n2 और बच्चों हम लोगों को निकालना है विस्पंदों की संख्या नंबर ऑफ बीट्स जो कि होती है n2 - n1 तो n2 - n1 - n1/200 और यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमको एक वैल्यू गिवन होगी। एक मिनट जरा ध्यान दें n2 = n1 + 1+n1/ तो बच्चों यहां पर हमको निकालना है नंबर ऑफ बीट्स। थोड़ी सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी तो अभी लोग ध्यान दें वापस आ जाएं कम बैक कंसंट्रेट। नंबर ऑफ बीट्स हमको निकालना है और नंबर ऑफ बीट्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n2 - n1 सो n2 - n1 और यहां पर जो वैल्यू हमको गिवन है n2 की वो गिवन है n1 + n1/200 -n1 n1 से n1 कैंसिल n1/200 और n1 की वैल्यू हमको गिवन है 200 हर्ट्ज तो यहां पर हम लोग कब करेंगे 200/200 दैट मींस आंसर विल बी 1 तो विस्पंदों की कुल संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए दैट मींस 1 नोट कर लें। देखिए अगले दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा जो मेमोरी बेस्ड है एक क्वेश्चन ऐसा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड अगर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि स्वरमापी में उत्पन्न तरंगे हैं वेव्स प्रोड्यूस इन सोनोमीटर बिल्डिंग। सभी लोग जानते हो जो स्वरमापी होता है जिसको हम लोग सोनोमीटर कहते हैं उसमें जो तनी डोरी होती है स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें जो कंपन होते हैं उनको बोला जाता है अनुप्रस्थ अप्रगामी ट्रांसवर्स स्टेशनरी और साथ में ये कंपन होते हैं पोलराइज्ड यानी ध्रुवित। तो आंसर हमारा सही है सी अनुप्रस्थ अप्रगामी और ध्रुवित। अगला क्वेश्चन एक स्वरमापी के तार के तनाव को अगर 9 गुना बढ़ा दिया जाए कि टेंशन फोर्स इन द सोनोमीटर वायर इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी मूल आवृत्ति होगी। अगेन क्वेश्चन सोनोमीटर का है ध्यान दें बच्चों स्वरमापी के तार के तनाव को 9 गुना बढ़ा दिया जाए। हम लोग जानते हैं जो मूल आवृत्ति होती है जिसको आप लोग बोलते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो एन प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी। ठीक है ना, हर चीज को ध्यान से नोट कर लिया करिए। जहां पर लगे कि हम नोट नहीं कर पा रहे हैं आदत बनाइए वहां पर वीडियो को पॉज कर लिया करिए उसको फिर पूरे नोट्स को कायदे से बनाइए और फिर हमारे साथ आगे की ओर बढ़िए। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन प्रोपोर्शनल रूट टी। फार्मूला ये बताता है टी को अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और टी को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और टी है क्या, डोरी का तनाव बल टेंशन फोर्स इन द स्प्रिंग। तो सवाल में आए क्वेश्चन कह रहा है प्रॉब्लम को ध्यान से समझें तनाव को 9 गुना बढ़ा दिया जाए दैट मींस अगर टी को करोगे 90
तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी अंडर रूट टाइम प्रोपोर्शनल, दैट मींस जो n होगा इट बिकम्स 3n, तो आवृत्ति पहले से तीन गुना बढ़ेगी, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, एक स्वरमापी के ताल में द्वितीय अधिस्वरक उत्पन्न होने पर, अधिस्वरक का मींस होता है ओवल टोन, जब किसी वायर में सेकंड ओवल टोन होता है, स्वरमापी का तार सोनोमीटर का वायर, उसमें जब सेकंड ओवल टोन होता है तो तार में होंगे, वायर में क्या बनेंगे, दो नोड, दो एंटी नोड, नोड माने निष्पंद, एंटी नोड का मींस प्रस्पंद, एक निष्पंद, एक प्रस्पंद, चार निष्पंद, तीन प्रस्पंद, तीन निष्पंद, तीन प्रस्पंद, इसका मीन हमको पता होना चाहिए। द्वितीय अधिस्वरक का यह मतलब हुआ तार तीन लूपों में कंपन करेगा, द्वितीय अधिस्वरक ओवल टोन का मतलब होता है कि तार तीन लूपों में कंपन करेगा, कंपन मतलब वाइब्रेट करेगा, कितने लूपों में, तीन लूपों में, बड़ा इजी है, अगर हमको ये पता चल गया वायर कितने लूप में वाइब्रेशन करेगा तो हम आसानी से आंसर को बता सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं, तीन लूप, एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए ये है तीन लूपों में तार कंपन कर रहा है, थ्री सेगमेंट लूप, थ्री लूप्स, तो यहां पर ये हुआ नोड, ये हुआ नोड, ये हुआ नोड, ये हुआ नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, काउंट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, आंसर है चार निष्पन्न और तीन प्रस्पन्न, दैट मीन्स 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, फंडामेंटल पे आधारित है, मेमोरी बेस पे आधारित है। जब एक खाली बर्तन में जल को भरा जाता है, खाली बर्तन, बर्तन तो जानते हो ना सभी लोग, वो भी खाली बर्तन, वेसल, इम्पटी पॉट, इम्पटी वेसल, आर्गन पाइप भी आप कह सकते हो, लेकिन कौन सा, खुला नहीं, खुला आर्गन पाइप होगा तो कहां पे जल भरोगे, भरोगे तो निकल जाएगा, बंद आर्गन पाइप यानी क्लोज्ड आर्गन पाइप, इसका एक सिरा बंद हो और एक सिरा खुला हो, तो सबके आंसर एक ही होंगे। चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, खाली बर्तन में जल भरा जाता है, जल भरा गया, वाटर इज टेकन इन द एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन में अगर जल भरा तो वायु स्तंभ की लंबाई घटी, वायु स्तंभ समझे एयर कॉलम, जहां पर एयर है वो लंबाई घट गई। हम लोग जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो n इज इक्वल टू v बाई 4l, मींस n प्रोपोर्शनल 1/l। अब जैसे जैसे खाली बर्तन में पानी भरोगे l का मान घटेगा, और जब l का मान घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, कहने का मतलब खाली बर्तन में पानी भरने से कंपन की आवृत्ति बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन इंक्रीजेस, चाहे क्वेश्चन आर्गन पाइप का हो या वेसल का हो, दोनों का आंसर सेम, आवृत्ति का मान बढ़ेगा, मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें, निम्न में से कौन सी घटना के द्वारा प्रकाश तरंगें ध्वनि तरंगों से भिन्न होती हैं, फ्रॉम विच फिनोमिना लाइट वेव्स डिस्टिंग्विश देन द साउंड वेव्स, प्रकाश तरंगों में ध्वनि तरंगों से विभेद, अंतर, डिफरेंशिएशन, दोनों में भिन्नता, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो उन दोनों को सेपरेट करता है, इंटरफेरेंस जानते हैं लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है,
रिफ्रैक्शन अपवर्तन जानते हो, प्रकाश तरंगें भी अपवर्तित होती हैं, ध्वनि तरंगों में भी अपवर्तन होता है। ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन, ये केवल होता है ट्रांसवर्स वेव्स में, अनुप्रस्थ तरंगों में जो कि हैं लाइट वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता, जिनको बोला जाता है ध्वनि तरंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, नोट कर लीजिए इसको, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य। इसका मतलब ध्रुवण की ऐसी घटना है जो प्रकाश तरंगों में होती है लेकिन साउंड वेव में नहीं होती। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, परावर्तन की घटना दोनों में होती है, लाइट में भी होती है, साउंड में भी होती है। व्यतिकरण की घटना दोनों में होती है, अपवर्तन की घटना दोनों में होती है, बट पोलराइजेशन मीन्स ध्रुवण केवल लाइट वेव्स में होता है, साउंड वेव्स में नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों से अलग है। क्यों या किस घटना के द्वारा अलग है, तो उसको बोला जाता है पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ऐसे फिल टॉप 10 क्वेश्चंस को अगले सीरीज में सॉल्व किया जिसमें हर एक क्वेश्चन अपनी महत्वता यानी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाकर इनको आप लोग बारी बारी से करते रहे, क्वेश्चंस को लगातार पीछे वाले बैक वीडियोस में भी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप लोग लगातार रिवाइज करें और लगातार इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में रखें, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर हमारे एग्जाम में आगे पूछी जाएंगी तो हम लोग उनको इजिली से फेस कर सकते हैं। इस प्रकार सारे क्वेश्चंस की सीरीज को सीरियल से आगे बढ़ाते हुए आगे भी हम लोग आपको अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, जिसका नाम है फिजिका एजुकेशन, अभी आप अगर इसको सर्च करेंगे तो कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के नाम से भी ये चैनल आपको ढूंढने में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी इससे फायदा हो सके और अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ आगे की ओर बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।